ओके क्वेश्चन नंबर 5A, सर विच पेज नंबर सर? पेज नंबर 158, स्टेट्स ऑफ मैटर, पेज नंबर 158 आपके टेक्स्ट बुक का, उसमें न्यूमेरिकल्स शुरू हो रहे पेज 158 पे क्वेश्चन नंबर 5 से. Okay, so let's begin. There is a question which says a balloon is inflated with helium gas at room temperature of 25 degrees Celsius. So the first temperature is given to you, 5A, 25 degrees Celsius. 25 degrees Celsius is how many Kelvin? Anybody? Just a moment, guys. बोला है प्रेशर 1 bar, तो प्रेशर भी दिया हुआ है अपने को 1 bar, राइट. एंड देन बोला है व्हेन इट्स इनिशियल वॉल्यूम इज 2.27 liters, तो वॉल्यूम भी दे दिया 2.27 liters. ओके, इतना इंफॉर्मेशन अपने को दे दिया गया है. अभी आगे देखते हैं. As it rises in air, the external pressure decreases and the volume increases. Finally, it bursts. The external pressure is 0.3 bar. Okay? मतलब क्या बोल रहा है कि अब धीरे धीरे वो ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाके प्रेशर जो है वो कम हो रहा है P2, और किधर तक हुआ? 0.3 bar तक गया. Okay? So, अपने को क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्या वॉल्यूम होगा कि उसके जस्ट पहले वो फटा. एनीबडी एनी सजेशन? ढूंढ क्या रहे अपन एग्जैक्टली इसमें? V2 ढूंढ रहे एग्जैक्टली, क्योंकि अपने को सिर्फ उतना चाहिए कि भाई प्रेशर जब 0.3 बार हुआ उस समय वॉल्यूम कितना था, क्योंकि जस्ट उसके बाद वो फटने वाला है. बराबर है? सो सिंपल सा चीज है, वी आर गोइंग टू यूज our Boyle's law. If you guys remember, P1 V1 is equals to P2 V2 according to Boyle's law. So, kya aa jayega sir? 1 into 2.27 is equals to 0.3 into V2. Therefore, V2 is equals to 2.27 upon 0.3. I can write it as 22.7 upon 3, which is how much? 7.56 liters. बराबर है? समझ में आया क्या हुआ है? सिंपल है कि इनिशियली जब भी प्रेशर एक बार था, वॉल्यूम 2.27 liters था. ओके, और बाद में जैसे जैसे वो बलून ऊपर जाता है, प्रेशर कम होता है, तो फटने के पहले फाइनल वॉल्यूम कितना रहेगा? सो V2 अपने को ढूंढना है. ओके, प्लीज राइट दिस डाउन. We done? Yes, sir. Yes, sir.
नो सर, एक मिनट। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बी। सॉरी, ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन बी। सिमिलर कॉन्सेप्ट, अ सिरिंज हैज अ वॉल्यूम ऑफ 10 सेंटीमीटर क्यूब, ओके, और ओरिजिनल वॉल्यूम इज 10 cm क्यूब एट अ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। Okay, if you plug the end so that no gas can escape and push the plunger down, what must be the final volume to change the pressure to 3.5 atmosphere? Simple, direct bol diya, what must be the final volume? Matlab wahi V2 dhundne ka hai and the final pressure is 3.5 atmospheres. So simple hai, wapas se according to Boyle's law. According to Boyle's law क्या हो जाएगा? P1 V1 is equals to P2 V2. P1 V1 is equals to P2 V2. So P1 क्या है? 1. P1 V1 is equals to P2 V2. So we will have V2 is equals to 10 upon 3.5. इसको solve करो, कितना आ रहा है देखो जरा। It is somewhere around 50/7 आ जाएगा, ओके, विच विल बी, सॉरी कुछ मिस्टेक है मेरा, 50/7 नहीं आएगा ना, मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 20/7 आएगा, सॉरी 20/7 आ जाएगा, विच विल बी 2.9, आई थिंक 9 cm क्यूब। या फिर उसको अगर हम लोग करेंगे तो 2.60 बचता है तो 56, देन 4 बचता है तो 34, 2.857 cm क्यूब। आप चाहो तो इसको राउंड ऑफ करके 2.9 cm क्यूब लिख सकते हो, ये आपका आंसर है। हो गया सर। ओके, क्वेश्चन सी। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट 0 डिग्रीज इज 2 dm क्यूब। सो टेम्परेचर 1 0 डिग्री सेल्सियस दिया है, उसको अपन 273 केल्विन लिखेंगे,
और वॉल्यूम दिया है 2 dm³। ओके, कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम। सिंपल सिंपल पूछा है, कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस एंड डिक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपल चीज है, अपन इसको दो केस में डिवाइड कर देंगे। व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस तो नया टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 273 प्लस 10 283 केल्विन। एंड दूसरा आएगा व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड बाय 10 डिग्री सेल्सियस तो द नया टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -10 degrees विच इज 263 केल्विन। और उस समय V2 ढूंढने का अपने को, तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। सो सर V1 कितना दिया अपने को, 2 दिया, 2 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू 273 अपॉन 283। देयरफॉर V2 इज इक्वल्स टू 283 इंटू 2 अपॉन 273। और यहाँ पे भी सेम चीज आएगा, 2 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू 273 अपॉन 263। V2 इज इक्वल्स टू 2 into 263 upon 273। सॉल्व करो इसको, देखो आंसर क्या आ रहा है आपका। आई होप आपको मेथड समझ में आया हो। प्लीज सॉल्व दिस। बाकी लोगों को कुछ नहीं आया। हो गया सर। ओके गाइस डन। यस सर। यस सर। 0.7 एंड 1.92 समथिंग। ओके लेट्स गो। इजी है अभी तक, तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम आया नहीं है। अभी भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी काफी आसान ही है। अ हॉट एयर बलून हैज अ वॉल्यूम ऑफ 2800 मीटर क्यूब। ओके तो ओरिजिनल वॉल्यूम 2800 मीटर क्यूब एट 99 डिग्री सेल्सियस। तो 99 डिग्री सेल्सियस कितना आएगा, 372 केल्विन। व्हाट इज द वॉल्यूम इफ द एयर कूल्स टू 80 डिग्री सेल्सियस। तो नया वॉल्यूम पूछा है,
इफ द एयर कूल्स टू 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री मतलब कितना केल्विन हो जाएगा, 353 केल्विन, बराबर है ना, 273 प्लस 80, 353. सो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, V1 upon V2 is equals to T1 upon T2. V1 कितना है 2800, V2 कितना है मालूम नहीं, T1 कितना है 372, V2 कितना है, T2 कितना है 353. So V2 is equals to 2800 into 353 upon 372. करो सॉल्व इसको, 4 के टेबल में जाएगा. सर बोलना बेटा. सर अगर मीटर क्यूब को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर राइट आएगा? नहीं, अपने को जरूरत ही नहीं ना बेटा. ऊपर देख, जब तक रेशियो है ना, रेशियो ऐसा तो कोई भी तू रखना, क्या फर्क पड़ता है. जब सिंगल वैल्यू ढूंढनी है, जब ऐसा ढूंढना है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, उस समय तुझे ध्यान देना है कि बाकी सारी वैल्यूज मैच होनी चाहिए. ओके, बट अभी रेशियो ढूंढ रहा है तो तू मीटर क्यूब में ढूंढ या किसी में भी ढूंढ दे. वैसे देख, इधर देख, V1 अपॉन V2 है इक्वल्स टू T1 अपॉन T2 है, इसका केल्विन है, इसका केल्विन है, तो वो यूनिट वैसे भी कैंसिल होने वाली है. तो जो भी आंसर आएगा वो मीटर क्यूब में ही आंसर आएगा ना फिर तेरे को, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. समझा? रेशियो वाले न्यूमेरिकल्स में इश्यू नहीं आएगा, पर जब आप इंडिपेंडेंट न्यूमेरिकल कर रहे हो जहां पे और कोई क्वांटिटी नहीं है, जैसे ये देखो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, वहां पे आपको मैनेज करना पड़ेगा कि भाई अपना आर का यूनिट और अपने प्रेशर वॉल्यूम का यूनिट मैच होना मांगता है, वरना गड़बड़ हो जाए. यहाँ पे आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट नहीं भी करोगे तो चलेगा. So, क्या है ये? हेलो सर. हाँ बोल बेटा. 256.98. ओके गुड. 2.98 चलेगा. मीटर क्यूब डाल, यूनिट डाल, यूनिट इम्पोर्टेंट है. तो 7 के टेबल, 4 के टेबल में 700 इनटू 353, नीचे क्या बच रहा है 93. फिर और कितना होएगा आगे, 700 और 93 है, 9 8 72 9 9 9 6 आएगा ना 9 6 54. कैलकुलेटर से किया ना तुम लोग ने, तभी तुम्हारा 6 डिजिट आया ना आंसर. सर अभी मेरा आया भी नहीं. सर उसके बाद 233.3 और नीचे डिनोमिनेटर में 31. 233.3 और डिनोमिनेटर में 31, नॉट पॉसिबल. और ऊपर इनटू 353 रहेगा. हाँ ऐसा बोलना, मतलब जितना आपने कैलकुलेशन. हाँ 233.3 अपॉन 31 इनटू 353. अभी इसको और इसको कैंसिल करो, कुछ आंसर आएगा. Eleven point.
सर हो गया। ओके अदर्स। यस सर डन। सो द नेक्स्ट वन वी हैव इज क्वेश्चन ई। At 0 degrees, a gas occupies 22.4 liters. So, the opposite temperature is 0 degrees, which is 273 Kelvin. Gas occupies 22.4 liters. How much hot must the gas be in Celsius and is can in Kelvin to reach volume of 25 liters? So, final volume आपको दे दिया 25 liters का, आपको नया temperature पूछ रहा है। हाँ बोलना बेटा। सर मैंने कैल्सी से निकाला तो सर मेरे को अलग आया और सर मैं खुद निकाला तो अलग आया। तो खुद निकाल रहा हो गलत क्या रहेगा और क्या सर 2654.56 आया सर मैं खुद निकाला तो और सर कैल्सी से निकाला तो 2656.9298 आया। देख इतना तो वेरिएशन आएगा नहीं तो तूने जो खुद से किया उसमें कुछ एरर होएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है वापस से देख ले एक बार। ठीक है सर। बाकी आपको लॉग बुक यूज करने आती है क्या? हाँ सर आती है ना। लॉग बुक यूज करने आती है तो लॉग बुक से भी तुम कर सकते हो ये। हाँ। You can do it this way maybe. So V2 is equals to anti log of 2800 plus log of 353 minus log of 372. अगर लॉग बुक आती है तो ज्यादा इजीली हो जाएगा। एनीवेज गोइंग बैक टू दिस क्वेश्चन नंबर ई आपको दिया है कि ओरिजिनल टेम्परेचर 273 है और ओरिजिनल वॉल्यूम 22.4 है तो वॉल्यूम को 25 पहुंचाने के लिए फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। सिंपली लिखा हुआ है वहां पे हाउ मच हॉट। सो सिंपल वही है कि भाई नया टेम्परेचर बताओ लेकिन इसमें बोल दिया गया है कि डिग्री में भी ढूंढना है एंड केल्विन में भी ढूंढना है तो ऑब्वियसली अपन पहले केल्विन में ढूंढेंगे क्योंकि यहाँ पे केल्विन है और फिर उसको 273 से माइनस कर देंगे। सो अगेन गोइंग टू द चार्ल्स लॉ V2 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू T2 अपॉन T1। ओके सो कितना है 25 के नीचे 22.4 T2 मालूम नहीं है और ये 273 है therefore T2 इज इक्वल्स टू 25 into 273 upon 22.4। चलो ये वाला लॉगबुक से करते हैं। अगर आपको लॉगबुक आती है तो मुझे वैल्यूज बताओ। चलो सो T2 इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 25 प्लस लॉग ऑफ 273 माइनस लॉग ऑफ 22.4। लॉग ऑफ 25 देखो 3979 होगा शायद। कंफर्म करो। हाँ सर 3979। और 27 का 3 देखो log of 27 का 3 4362 एंड 22.4 का देखो 22 का 4 3502। So it will be anti log of पहले इन दोनों को add कर लेते 9 plus 2 11 1 carry
7 plus 1, 8 plus 6, 14, 1 carry. 9 plus 1, 10 plus 3, 13, 1 carry. 4 plus 4, 8. 1 plus 2, 3. Minus 1.3502. Sorry. ये क्या हो जाएगा? 3, 11. 11 minus 2, 9. 3 minus 0, 3. ये carry करेंगे. 13 minus 5, 8. 7 minus 3, 4. 3 minus 1, 2. इसका एंटी लॉग बताओ. 48 का 3 का 9, उसका एंटी लॉग बताओ. कितना? 3047 पहले वाले के बाद डेसिमल इनटू 10 रेस टू 2 व्हिच इज 304.7 केल्विन. ये आ गया अपना फर्स्ट आंसर. अब इसमें से अपन माइनस करेंगे कितना, तो 273 माइनस करेंगे तो 304.7 माइनस 273 तो क्या आंसर आएगा? इधर अभी भी 7 आएगा, कुछ है नहीं तो 1 and 3, 31.7 डिग्री सेल्सियस. सो ये हो गया अपना आंसर और ये हो गया अपना केल्विन आंसर. देख लो एक बार, नहीं समझा है तो प्लीज पूछो. हेलो सर, इससे पहली वाली एक मिनट स्लाइड बताओ ना सर. यही ना? हाँ सर, हाँ सर. थैंक यू सर, हो गया सर. ओके गाइस, डन विद दिस. कैलकुलेशन समझा सबको? सर हो गया. ओके ग्रेट. All right, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A 20 लीटर कंटेनर होल्ड्स
a 20 liter container. So shuru karte with volume 1, 20 liters. Okay. Hold 0.650 moles of helium gas at 37 degrees Celsius. So number of moles diya 0.650 moles of helium gas at 37 degrees Celsius. So ye kitna ho jayega 310 Kelvin. And a pressure of 628.3 bar. So pressure bhi de diya 628.3 bar. Okay. सीधा सीधा पूछा है व्हाट विल बी द न्यू प्रेशर सर तो मतलब खत्म हो गया पी टू पूछा है अपने को व्हाट विल बी द न्यू प्रेशर इनसाइड द कंटेनर इफ द वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड टू 12 लीटर्स तो जो नया वॉल्यूम है वो 12 लीटर हो जाएगा ओके द टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 177 डिग्री सेल्सियस 177 डिग्री सेल्सियस तो कितना हो जाएगा 177 प्लस 273 450 Kelvin and 1.25 moles of additional helium gas was added to it. कोई बता सकता है कि नया number of moles कितना हो रहा है? Anyone? उसमें लिखा है 1.25 is added additionally. मतलब जो पहले 0.65 था, उसमें 1.25 और add किया है. तो टोटल कितना हो जाएगा 1.90 हो जाएगा कि नहीं गाइस समझ में आ रहा है डेटा कैसे आया है हाँ सर ओके एंड वी ऑल नो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी और आर कांस्टेंट है अगर आपको याद हो तो सर आर इज इक्वल्स टू पीवी अपॉन एनटी तो अपन आइडियल गैस इक्वेशन इस तरह भी यूज कर सकते हैं दैट P1 V1 अपॉन N1 T1 is equals to P2 V2 upon N2 T2 और अपने को P2 ढूंढने का है वापस से सिर्फ क्या देखना है पता है अभी जो जिसका भी डाउट था सर यूनिट का डाउट है तो यूनिट का डाउट में आपको टेंशन इसलिए नहीं लेना है क्योंकि देखो लीटर के सामने लीटर है मोल के सामने मोल है केल्विन के सामने केल्विन है तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो बार में आ जाएगा तो आपको ऐसा टेंशन नहीं लेना है सर ये एटमोसफियर में क्यों नहीं है या पास्कल में क्यों नहीं कौन सा भी यूनिट होता ना अपने को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यूनिट के सामने यूनिट कैंसिल हो रही है ओके सो P1 इज हाउ मच 628.3 V1 इज हाउ मच 20 अपॉन N1 0.65 T1 310 इज इक्वल्स टू P2 सर ढूंढ रहे V2 12 लीटर T1 450 सॉरी T2 और N2 1.9 ओके Therefore, P2 is equals to 628.3 into 20 into 450 into 1.9 upon 0.65 into 310 into 12. तो आपको जो अच्छा लगे आप उसके हिसाब से निपटाना चाहो तो निपटा सकते हो इधर का एक जीरो निपटा दिया ओके फिर इसको सिक्स कर देते हैं फिर थ्री के टेबल में अगर आप दिखाना चाहो तो थ्री के टेबल में टू जा थ्री के टेबल में 150 और फिर अगर आपको ये टू को इसके साथ निपटाना है तो निपटा सकते हो अप्रोक्सीमेटली 1.9 को भी टू ही लिया जाता है तो वो भी निपट लिया अभी क्या क्या बचा देखो P2 इज इक्वल टू 628.3 इंटू 150 अपॉन 0.65 इंटू 31 इतना इंफॉर्मेशन अपने पास बचा है ओके तो क्या करेंगे देयरफॉर P2 इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 628.3 मैं ठीक से इसको वर्टिकली लिख देता हूँ सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन एंटी लॉग ऑफ 628.3 प्लस लॉग ऑफ 150 माइनस लॉग ऑफ 0.65 एंड ऑल्सो माइनस लॉग ऑफ 31 चलो ये सॉल्व करके आंसर निकाल के दिखाओ अगर आपको लॉग बुक आता है तो नहीं आता है तो मुझे बताओ तो वापस सॉल्व करेंगे पहले इतना लिख लो जल्दी से हेलो सर कौन सा सम है ये सम है FF
Are we done? Guys, have you done? क्या है वैल्यूज में देखो P2 is equals to anti log of log 628.3 plus log 150 माइनस 0.65 एंड 31 लॉग 0.65 एंड लॉग 31 क्या है एंड लॉग बताओ 62 का 8 का 3 7982 150 का लॉग बताओ 1761 65 का लॉग बताओ 8129 और 31 का लॉग बताओ 4914 चार डिजिट होगा बेटा 491 कैसे होता है एनीवेज तो ये माइनस साइन कॉमन अगर मैं ले लेता हूँ तो बीच में प्लस आ जाएगा तो अपन इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर बाद में दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे सो एंटी लॉग ऑफ 2+1 3 8+6 14 9+1 10+7 17 वन कैरी 8+1 9 2+2 4 माइनस 9+4 13 वन कैरी 3+1 4 1+9 10 9+4 13 1-1 0+1 1 So anti log of 3-3 0 4-4 0 7-0 7 9-3 6 4-1 3 Give me the anti log of 6700 Anti log of 67 batao 4678 पक्का हाँ सर 4678 पहले वाले के बाद डेसिमल इंटू 4678 बार
डन। चलो एक और क्वेश्चन निपटा लेते हैं। नाइट्रोजन गैस हैज फिल्ड इज फिल्ड इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 2.32 लीटर्स। तो वॉल्यूम दिया एफ के बाद कौन सा जी है क्वेश्चन। वॉल्यूम 2.32 लीटर्स। 2.32 लीटर्स द टेम्परेचर इज 32 डिग्री सेल्सियस विच इज 305 केल्विन। ओके प्रेशर इज 4.7 एटमोस्फियर एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। तो अपने को नंबर ऑफ मोल्स ढूंढना है। कोई बता सकता है लीटर भी है और एटमोस्फियर की है तो आर की वैल्यू क्या लेनी चाहिए अपने को। वेरी गुड। तो 0.0821 वाला वैल्यू लेंगे लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। सो सिंपल हो गया, कुछ टेंशन ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन वी नो इट इज पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो एन चाहिए तो पीवी अपॉन आर टी लेना पड़ेगा। पी का वैल्यू कितना है 4.7, वी कितना है 2.32, टी कितना है 305 और आर कितना है 0.0821। तो इसको सॉल्व करेंगे n इज इक्वल्स टू एंटी log of 4.7 प्लस log of 2.32 माइनस log of 305 और इसको ब्रैकेट रखूंगा तो प्लस log of 0.0821। तो मुझे बताओ 47 का log बताओ। का बताओ। थर्टी का फाइव बताओ। 4843 और 82 का वन बताओ। 9138। ओके सो अभी एंटी लॉग जाएगा इधर, दोनों को ऐड करेंगे 1+5 6, 2+5 7, 7+6 13, 7+3 10, 1 कैरी माइनस 3+8 11, 1 कैरी 4+1+5+3 8, 8+1 9, 4+9 13, 1 कैरी 1+2 3, 3 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा ना ये, सॉरी यहाँ पे प्लस साइन आनी चाहिए थी सॉरी। तो 3-2 1 एंटी लॉग ऑफ 6-1 5, 7 में से जाएगा नहीं 2, 17-8 9, ये 0 हो गया, ये 9 हो गया, ये 12-9 3, 9-3 6, 0-1 bar 1। गिव मी द एंटी लॉग ऑफ 6395। एंटी लॉग ऑफ 6395। फोर थ्री सिक्स जीरो इंटू 10⁻⁻¹। तो 0.436 मोल्स विल बी अवर आंसर। प्लीज राइट दिस डाउन।
ओके आर वी डन यस सर सो लेट्स स्टॉप हियर फॉर टुडे We'll stop here for today and आगे का फिर अगले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करते हैं जो थोड़ा बहुत थियरी बचा और बचे हुए न्यूमेरिकल्स ऑलराइट सो विल पैक अप फॉर टुडे लेट्स कॉल इट अ डे यू गाइस आर फ्री टू लीव द मीटिंग फ्रॉम माय एंड थैंक यू सो मच बाय सर या बाय बाय सर Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, guys. Bye. Thank you. Excuse me, sir.